जय जगन्नाथ, वेलकम टू एकम एकेडमी। पिलाने आज आम डिस्कस करवा 4 अक्टोबर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन अच्छी निहाती यही भिडियोटी आप अपकमिंग जहाँ भी एग्जाम अच्छे सब एग्जाम पर हेल्पफुल रहा। सो भिडियो को स्किप करें, शेष ही देखिए। ता सहित शेष में क्विज अच्छी एंड क्विक रिविजन आम भी करा भी क्वेश्चन डिस्कस करवा से अटेंड करेंगे। डेली मॉर्निंग रे करंट अफेयर पाया चैनल को सब्सक्राइब करने सहित भिडियो जब भल लगे आपन को संग सहित शेयर करूँ प्लस लाइक कर जातु। ओके एंड आउ कौन कंटेंट चाहती आप मतलब कमेंट लिखी जन पारे। सो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन टाइम वेस्ट नक बिकज एव्री सेकेंड इज इम्पोर्टेंट फर योर प्रिपेरेशन। ओके स्टार्ट करिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बट तापर देखो आज मोटिवेशनल कोट कौन अच्छी। आज कोट अच्छी, ए रिवर कट्स थ्रो ए रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट इट्स परसिस्टेंस। को भी जिनस परसिस्टेंस रखुच्च देन से ही जिनसे आप परफेक्शन हासिल करेंगे। डेली जदि करेंट अफेयर देखुं आपत निहाती करेंट अफेयर में भल स्कोर करेंगे ना कि गोटे दिन देखीदे चार दिन पर देखिए पाँच दिन पर देखिए सेम दिन, बट कनसीस्टेन्सी रहा आवश्यक। ओके स्टार्ट करिए प्रथम क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी, हू हेज एज्यूम्ड एज द रोल अफ सेक्रेटरी जनरल अफ नाटो। नाटोर रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल पोस्ट में किए एज्यूम माने किए अपॉइंट होती से होती किए मार्क रुटे जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली मार्क रुटे हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। या विषय में निहाती टिके डिस्कस करियो बिकॉज ए क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट एंड एग्जाम रे भी आसे बार बार। ओके देखो क्वेश्चन कौन अच्छी, ऑन अक्टोबर 1, 2024 मार्क रुटे द फॉर्मर पीएम ऑफ नेदरलैंड बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। ओके मार्क रुटे जी कि ऑलरेडी नेदरलैंड रो पीएम रही सारी से अक्टोबर 1 रे चार्ज नहीं नाटोर नुआ सेक्रेटरी जनरल भाव में। क्लीयर, हि इज द 14% टू होल्ड द पोजिशन। से 14 नंबर पर्सन जी कि पोजिशन को होल्ड कर टुक्स ओवर फ्रम नरवेस जेन्स स्टोल्टनबर्ग। ओके जेन्स स्टोल्टनबर्ग ठू से चार्ज नहीं नाटोर फुल फॉर्म होची नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिटरी अलायंस विथ 32 मेंबर। ऑलरेडी एग्जाम नाटोर मेंबर। ओके नाटोर मेंबर स्टेट हो 32 एंड 30 यूरोपियन कंट्री एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन। क्लीयर, नाटोर हेडक्वार्टर कौटी अच्छी, ब्रुसेल्स बेल्जियम रे। क्लीयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हू हैज ओन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 2024 इंटरनेशनल इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। रिसेंटली बेस्ट एक्टर अवार्ड किए पाई इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इट इज किए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शाहरुख खान ओन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 2024 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। या विषय जो देखा एटा कौटी होता इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड ऑर्गेनाइज होता 27-29 सेप्टेम्बर जोटा कि यूएई दुबई रे। ओके शाहरुख खान ओन बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज मूवी जवान। जवान मूवी पाई रिसेंटली शाहरुख खान बेस्ट एक्टर अवार्ड पाई। क्लीयर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो, हु हेज ओन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 2024 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड रिसेंटली। जमती बेस्ट एक्टर रे शाहरुख खान पाइले सेमती बेस्ट एक्ट्रेस रे किए पाई से होती रानी मुखर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली रानी मुखर्जी ओन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 2024 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। क्लीयर, या विषय जो देखा कौटी होता मुझे ऑलरेडी कहीदेली एटा कौटी होता इट इज यूएई दुबई। रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस पाई अवार्ड फॉर हर मूवी मिसेस चाटर्जी वर्सेस नॉर्वे। क्लियर नेक्स्ट, बीसीसीआई इनॉग्रेटेड न्यू नेशनल क्रिकेट एकेडमी। बीसीसीआई रिसेंटली माने गोटे क्रिकेट एकेडमी नेशनल क्रिकेट एकेडमी को इनॉग्रेट करछन्ती। एटा को प्लेस रे इनॉग्रेट होई छि, इट इज एट कोठी बेंगलोर रे। क्लियर, बेंगलोर रे रिसेंटली नेशनल क्रिकेट एकेडमी रो इनॉग्रेशन बीसीसीआई करी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज एट बेंगलोर। क्लियर नेक्स्ट, वर्ल्ड लॉन्ग डे। लॉन्ग्स आमर फुसफुस जो रहुची लॉन्ग्स डे एव्री ईयर केबे मना होची, एव्री ईयर लॉन्ग्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 सेप्टेम्बर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। या विषय जो देखा थीम आर कौन, क्लीन एयर एंड हेल्दी लॉन्ग्स फॉर ऑल। क्लियर, सो लॉन्ग्स डे लॉन्ग्स केते इंपोर्टेंट आम शरीर से समस्त जानते। ओके सिगरेट कंज्यूमसन टोबाको कंज्यूमसन रे लंग्स खराब हुए से वर्ल्ड लंग्स डे एव्री ईयर 25 सेप्टेम्बर में मना जाऊँ। क्लीन एयर हेल्दी लंग्स फॉर ऑल, आम शरीर जो क्लीन एयर जाऊँगी देन एटा आम लंग्स को भी हेल्दी रखिब। क्लीयर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, हू हेज इलेक्टेड एज प्रेसीडेंट अफ इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटर प्रेसीडेंट किए बनते से होती एम भी श्रेयम कुमार।
रिसेंटली एम वी श्रेयम कुमार हैज बिन अपॉइंटेड एज और इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क हैज बिन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन. रिसेंटली क्यों नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन भाव में डिक्लेयर कर दी. इट इज गिर नेशनल पार्क. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. गिर नेशनल पार्क जोटा कि गुजरात रे अछि. गिर नेशनल पार्क को रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन बोली डिक्लेयर करा जाय छि. या विषय जो देखिबा टिके, इंडियन गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड 1.84 लाख हेक्टर दिया जाय छि गिर प्रोटेक्टेड एरिया को इको सेंसिटिव जोन बनेबा पई, जोटा कि गिर फॉरेस्ट मेनली फेमस फॉर एशियाटिक लायंस एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, गिर नेशनल पार्क ऑलरेडी कोठी अछि कहली, इट इज गुजरात. आर मेन मोटिव है गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन जो अच्छी तार कंजर्वेशन. क्लियर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इट इज गिर नेशनल पार्क हैज बिन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन. नेक्स्ट, व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड स्मार्ट ड्रागो 3 रॉकेट. LANCHW है जी काटिने पे. ओके, व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्मार्ट ड्रागो 3 रॉकेट. इट इज चाइना. क्लियर. चाइना रिसेंटली लॉन्च करछि कोन. सो या आंसर कौन हम या आंसर हूँ चाइना. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड द स्मार्ट ड्रागो 3 रॉकेट रिसेंटली. सो एग्जाम एमती क्वेश्चन आसो जो स्मार्ट ड्रागो 3 रॉकेट क्यों कंट्री लॉन्च करता. इट इज चाइना. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्टेस्ट क्रिकेटर टू रिच 27,000 इंटरनेशनल रन. किए बनी फर्स्टेस्ट क्रिकेटर जी कि 27,000 इंटरनेशनल रन रे पहुंचती. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इट इज विराट कोहली. ओके, या विषय में टिके डिस्कस करेंगे बिकज ये क्वेश्चन टाइम इंपोर्टेंट रहा. विराट कोहली अचीव्ड ए रिमार्केबल माइलस्टोन बाय बिकमिंग द फर्स्टेस्ट क्रिकेटर टू रिच 27,000 इंटरनेशनल रन सप्रेसिंग सचिन तेंदुलकर रेकर्ड. सचिन तेंदुलकर रेकर्ड को सप्रेस करके विराट कोहली 27,000 रन माइलस्टोन रे फर्स्टेस्ट क्रिकेटर जी कि पहुंचती. ओके, कोहली एकम्प्लीस्ड द फिट विथ 594 इनिंग्स 29 इनिंग्स फास्टेस्ट देन तेंदुलकर. क्लियर, जोटा कि तेंदुलकर 623 इनिंग्स रे करते एवं रिसेंटली से 594 इनिंग्स रे 27,000 राउंड रे पहुंचती. क्लियर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इट इज विराट कोहली. नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया रैंक इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024. 2024 इंटरनेशनल आईपी फुल फॉर्म होची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. सो इंडिया रैंक होची 42nd. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इंडिया रैंक होची 42nd इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स. या विषय में टिके देखा पड़ो आमको. देखो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रे जोटा इंडिया रैंक इंटरनेशनली 42 अच्छी आउट ऑफ 55 कंट्री विथ ए स्कोर 38.64%. यूएसए टॉप्ड इन दिस रैंक फॉलोड बाय यूके फ्रांस जर्मनी एंड स्वीडन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, विच कंट्री ओन 2024 साफ मेन्स अंडर 17 चैंपियनशिप. रिसेंटली क्यों कंट्री जीति 2024 SAFF मेन्स अंडर 17 चैंपियनशिप. इट इज को कंट्री आवर कंट्री इंडिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रिसेंटली इंडिया ओन 2024 साफ मेन्स अंडर 17 चैंपियनशिप. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. या विषय जो देखा इंडियन फुटबॉल टीम जीत कौन 2024 मेन्स साफ अंडर 17 चैंपियनशिप बाय डिफिटिंग बांग्लादेश इन फाइनल. बांग्लादेश को हर कि इंडिया 2024 साफ मेन्स अंडर 17 चैंपियनशिप जीति 2024. यहाँ कौटा इट इज एट थिंपू भूटान. क्लियर, भूटान थिंपू रे रिसेंटली ए गेमटा होता अंडर 17 चैंपियनशिप. क्लियर. नेक्स्ट, व्हिच ईयर इज प्रपोज्ड एज द न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कंपटीशन. जीडीपी कंपटीशन पे रिसेंटली क्यों ईयर को क्यों वर्ष को गोटे माने बेस ईयर बोली कैलकुलेट करा जाय छी. इट इज 2022-23. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 2022-23 को जीडीपी कंपटीशन पे जीडीपी रो फुल फॉर्म आपण समस्त जदि इकोनॉमिक्स बा जीके भी केबी पढ़ चंदी जीडीपी वर्ड नहीं हाथी सुन थिबे. इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर. सो एथिरे रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान कर छी जे 2022-23 को बेस ईयर भाव रखा जिवो, बट करेंटली 2011-12 को बेस बोली रखा जाय छी. सो एटा रिवाइज हेछि 2022-23 बेस ईयर रहबो ता हिसाब रे ही कैलकुलेट करि हबो जीडीपी ग्रोथ उपरे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इट इज बेस ईयर इज 2022-23. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच इंडियन स्टेट हैज इंप्लीमेंटेड पैसेंजर्स फॉल्ट. रिसेंटली क्यों इंडियन स्टेट लॉन्च करछि कोनो पैसेंजर्स फॉल्ट रूल. इट इज ऑप्शन सी राजस्थान. पैसेंजर्स फॉल्ट रूल माने कोनो पिला माने देखंतु राजस्थान रिसेंटली एटा लॉन्च करछि.
ରାଜସ୍ଥାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମେନଲି ବଢ଼ୁଛି, ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ବିନା ଟିକେଟରେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଟିକେଟ ଭାଓଲେସନ୍ ବି ହେଉଛି, ସେସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଡକ୍ଟରରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପେନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, କଣ୍ଡକ୍ଟର ସବୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ରାଜସ୍ଥାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ଫଲ୍ଟ ରୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ରିସିଭ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ୟୁପି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଶୋ 2024 ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଶୋ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଆଣିଛି ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ? THDC। କ୍ଲିୟର? ସୋ THDC ରିସେଣ୍ଟଲି ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି, କେଉଁଥିରେ? ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଶୋ 2024। କ୍ଲିୟର? ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ THDC, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କାଟେଗୋରିରେ ୟାକୁ ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। THDC ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର କମ୍ପାନୀଟା THDC ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ସେଇଥିରେ ବେଷ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, THDC ଇଣ୍ଡିଆ। ନାସା ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ 3 ଗର୍ଜେସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମେ ଏଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥ ରୋଟେସନ୍। ଅର୍ଥ ରୋଟେସନ୍ରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ରିସେଣ୍ଟଲି 3 ଗର୍ଜେସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଇନା, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରିସେଣ୍ଟଲି ନାସା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନାର 3 ଡ୍ୟାମ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ରୋଟେସନ୍ରେ। କ୍ଲିୟର? ଯେଉଁଟାକି ୟାଙ୍ଗଚେ ରିଭର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚାଇନା। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ହୁ ହେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚଡ୍ କ୍ରୁଇଜ୍ ଭାରତ ମିଶନ? ରିସେଣ୍ଟଲି କ୍ରୁଇଜ୍ ଭାରତ ମିଶନ କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଟ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ୟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଯଦି ଆସିଲା, ଦେନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲା, ଯିଏକି ଆମର ଅନରେବଲ୍ ପୋର୍ଟ ସିପିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଲା କ୍ରୁଇଜ୍ ଭାରତ ମିଶନର, ଦିସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଟୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହବ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଇଜ୍ ଟୁରିଜମ୍। ଓକେ, କ୍ରୁଇଜ୍ ଟୁରିଜମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଅନରେବଲ୍ ପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲା ଜୀ କ୍ରୁଇଜ୍ ଭାରତ ମିଶନ କେଉଁଠି ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି? ମୁମ୍ବାଇରେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ହେଜ୍ ବିକମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ସେକ୍ୟୁର ପୋଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡଚେଚ୍ ଟରୋୱାଗେନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ? ରିସେଣ୍ଟଲି DTM, ଓକେ, ଡଚେଚ୍ ଟରୋୱାଗେନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ, DMT ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା DTM କରିନେବେ। ଓକେ, ସେଇଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ସେକ୍ୟୁର ପୋଲ୍ ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମୈନି। ଓକେ, ଅର୍ଜୁନ ମୈନି ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଥମ ପୋଜିସନ୍ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ? ଡଚ୍ ଟରୋୱାଗେନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ କ୍ୟାଟେଗରିରେ। କ୍ଲିୟର? ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ରେଡ୍ ବୁଲ୍ ରିଙ୍ଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମେନି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦି ନର୍ଜ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଛି ଦି ନର୍ଜ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍? ମେଘାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ହୁ ବିକମ୍ 6 ପ୍ଲେୟର ଟୁ ପ୍ଲେ 500 T20 ମ୍ୟାଚେସ୍? ରିସେଣ୍ଟଲି କିଏ ବନିଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲେୟର ଯିଏକି 500 T20 ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଜୀ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଆଇ ହାଭ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରର, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ୱେର୍ ହେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚଡ୍ ଦି ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡ୍ରାଇଭ୍? ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସକ୍ସେନା ଜୀ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଅନରେରୀ ସେସର ଏଟ୍ 50 ସେସର ଆୱାର୍ଡ? ରିସେଣ୍ଟଲି 50 ନମ୍ବର ସେସର ଆୱାର୍ଡ଼ରେ କାହାକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ସେସର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଲିଆ ରୋବର୍ଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓସ୍କାର ୱିନିଂ ଆକ୍ଟର ଜୁଲିଆ ରୋବର୍ଟ୍ସ ରିସେଣ୍ଟଲି ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନରେରୀ ସେସର ଆୱାର୍ଡ଼ ଏଟ୍ 50th ସେସର ଆୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାରିସରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲିୟର? ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ସୋ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱିଜ୍ କ'ଣ ଅଛି। କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଇଜିଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କୋସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର 32nd ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର 2024 ର
32 नंबर एकलव्य पुरस्कार क्या दि जाइए? ऑप्शन गुड़ा आप पाखे शिव शंकर, संजय ठाकुर, प्रत्याशा राय, आलोक शुक्ला। मुझे आपको हिंट दूसरी से होंगे ओडार। सो ये क्वेश्चन टाइम इंपोर्टेंट रही बनई क्विज्रे आंसर लिखिकी जनइबे। सहित पीडीएफ जॉइन करूँ आप सॉरी टेलीग्राम जॉइन करूँ से पीडीएफ इजिली पाइपारे ताकि रिवाइज भी करेंगे बट करेन्ट अफेयर लिखु जिते नोट करेंगे से आप हेल्पफुल हम। ओके एमर सेसन मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा ट्रेंडिंग क्विक रिविजन करवा जहाँ भी क्वेश्चन डिस्कस कले फर्स्टली डिस्कस करवा देखो 1 to 2 मिनट भितर देखो। हु हेज एज्यूम्ड रोल ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? नाटोर सेक्रेटरी जनरल किए बनते सी होती मार्क रुटे, नाटोर हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो टोटल 32 मेंबर कंट्री अच्छा ये आप मन रखीदे मैंने आपड़ एग्जाम क्राक करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देखो नाटो फुल फॉर्म भी मन रखा आवश्यक। हु हेज ओन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 2024 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड? इट इज बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान फॉर हिज मूवी जवान। क्लियर। नेक्स्ट हु ओन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 2024 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड? बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नरवे मिलता बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। नेक्स्ट बीसीसीआई इनॉग्रेटेड द न्यू नेशनल क्रिकेट एकेडमी इन व्हिच सिटी? इट इज एट बेंगालोर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज एट बेंगालोर। नेक्स्ट वर्ल्ड लॉन्ग डे प्रति वर्ष वर्ल्ड लॉन्ग डे इज ऑब्जर्व ऑन 25 सेप्टेम्बर। क्लियर। ए वर्ष थीम भी देखो क्लीन एयर एंड हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। नेक्स्ट हु हैज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी? इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटर नुआ प्रेसिडेंट किए बनते सी होती एम भि श्रेयाम कुमार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एम भि श्रेयाम कुमार बनुंच इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट व्हिच नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन? इको सेंसिटिव जोन भाव में क्यों नेशनल पार्क को डिक्लेयर कर जाएगी? इट इज गिर नेशनल पार्क जोटा कि गुजरात में अच्छी। क्लियर। नेक्स्ट व्हिच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड स्मार्ट ड्रागो 3 रॉकेट? स्मार्ट ड्रागो 3 रॉकेट क्यों कंट्री लॉन्च करती? इट इज चाइना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्टेस्ट क्रिकेटर टू रिच 27,000 इंटरनेशनल रन? से होती क्रिकेटर समस्त फेवरेट विराट कोहली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रे इंडिया रैंक होची 42nd आउट ऑफ 55 कंट्री। नेक्स्ट व्हिच कंट्री ओन 2024 साफ मेन्स अंडर 17 चैंपियनशिप? इट इज इंडिया एंड क्या हरई? इट इज बांग्लादेश। क्लियर। नेक्स्ट कौटी होता थिम्पुरे? क्लियर भूटान थिम्पुरे। व्हिच इयर व्हिच इयर वाज प्रपोज एज द न्यू बेस इयर फॉर जीडीपी कंपिटिशन? जीडीपी कंपिटिशन कैलकुलेशन क्यों इयर को बेस इयर बोली डिक्लेयर कर जाइछि? इट इज 2022-23। नेक्स्ट व्हाट व्हिच इंडियन स्टेट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड पैसेंजर्स फॉल्ट रूल? इट इज राजस्थान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच कंपनी हैज रिसीव्ड बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड एट यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024? इट इज TSDC इंडिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नासा अनाउंसड व्हिच कंट्रीज 3 गॉर्जियस डैम में इफेक्ट अर्थ रोटेशन द्वारा क्यों कंट्री तीन टा डैम को इफेक्ट हे? इट इज क्यों कंट्री चाइनार यांगते रिवर पाखे जो अच्छी। ओके तीन टा गॉर्जियस डैम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज चाइना। नेक्स्ट व्हेयर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्रूज भारत मिशन? क्रूज भारत मिशन क्यों प्लेस लॉन्च कर? इट इज मुंबई बाय सर्वानंद सोनोवाल जिकि आम पोर्ट मिनिस्टर अच्छा। नेक्स्ट हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर पोल पोजिशन इन द डोसेज टूर्नामेंट मास्टर्स? DMT हम यहाँ DTM हम DMT हो जाएगी। से होती अर्जुन माइनी प्रथम इंडियन जिकि पोलो पोजिशन में पहुंचती। हु स्टेट हैज पार्टनर्ड विथ दि नर्ज इंस्टीट्यूट फॉर लाइवलीहुड डेवलपमेंट? लाइवलीहुड डेवलपमेंट क्यों स्टेट पार्टनरशिप कर दि नर्ज इंस्टीट्यूट सहित? इट इज मेघालय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु बिकम सिक्स प्लेयर टू प्ले 500 T20 मैचेस? 500 T20 मैच खेलता सिक्स प्लेयर किए बन से हो डेविड मिलर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों कंट्री मुझे पचार थी ना से मानने ड्रेस भी लिखाई से अंदाजा लगे पारे। व्हेयर हैज रिसेंटली लॉन्च डस्ट फ्री ड्राइव रिसेंटली दिल्ली में लॉन्च कर दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी दिल्ली को डस्ट फ्री करने दिल्ली में डस्ट फ्री ड्राइव लॉन्च कर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हु विल बी अनर्ड विथ ऑनरेरी सेसर एट 50 सेसर अवार्ड? इट इज किए जूलिया रॉबर्ट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जूलिया रॉबर्ट्स जी कि ओस्कर विनिंग एक्टर रिसेंटली ऑनरेरी सेसर
अवार्ड दिया जाइए 50th सेसर अवार्ड के माने इवेंट रे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थिला कंप्लीट करंट अफेयर आज पिला माने। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो जदि भल लगी देन लाइक करेंगे सांग मान सहित पक्का शेयर करेंगे प्लस चैनल जो मैंने प्रथम कर विजिट करते सब्सक्राइब करेंगे बिकज आपण सपोर्ट रही आम आहरी भल भल कंटेंट नहीं आसवा ता सहित पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करूँ एंड आउ कौन कंटेंट दरकार एंड वीडियो केमती लगे आप कमेंट लिखी जनवे बहुत इफर्ट्स लगे वीडियो बनाने सो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद जय जगन्नाथ लव यू ऑल।